हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ये सब आप देख के समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। देखते हैं केज कितना गंदा हो गया है, ये कॉलोनी कितनी गंदी हो गई। आज हम इनको साफ करके बताएंगे आपको। ये प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस, और ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको और वीडियो अच्छी बना के देते रहेंगे। चलें पहले सफाई कर लें और आपको दिखाते हैं, आप समझ रहे होंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में रखा है, थोड़ी स्केच में रिपेयरिंग का भी काम करना है। देख सकते हैं, देख लें, थोड़ा रिपेयरिंग का भी काम होगा। ये फोर सेल है, जिस भाई को चाहिए हो रास्ता कर सकते हैं उनसे। सब नरीन आ रहे हैं, कुछ कुछ एक दो मालियाँ होंगी, बाकी सब नर हैं। चलें आपको शुरू करते हैं। दोस्तों हमने सोचा पहले रिपेयरिंग का काम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बाजार से आपको कहीं से ही मिल जाएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसको मिला लेते हैं। इसको हाथ से नहीं मिलाएगा, हाथ भी आपका कट सकता है। चले अब इस पर हम आपको लगा के भी दिखाते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा प्लीज। ले सकते हैं, ये लिया, देख सकते हैं ये मैच हो रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए अच्छा लग रहा है। जैसे ये सब लगा दिया, अब हम फोल लगा रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं मोल लगा रहे हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से वो हो रहा है। रिपेयरिंग का तो काम हमने ख़त्म कर लिया माशाल्लाह से। अब हम बात करें, अब हम सफाई का काम शुरू करते हैं और आपको भी ये सफाई करके दिखाते हैं। चलें शुरू कर लेते हैं। कॉलोनी में बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, पर आपको भी हमें वीडियो दिखानी है पूरी। जो झाड़न होती है हम उसको झाड़न से साफ कर लेंगे, बाद में डिटॉल का छिड़काव मार देंगे। हैं सकते हैं आप कितनी गंदगी हो रही थी। अब ये थोड़ा क्लीन होने वाला है, तो चलते हैं।
बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना है। अब एक हाल झारन का मान लेते हैं, इतनी गंदगी निकली है। अब एक बार इसके ऊपर झाड़न लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये पूरी कॉलोनी वो हो गई, क्लीन हो गई। अब हम इसको करेंगे, फिर आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे, देखते हैं। ये पूरी क्लीन हो गई, अब चलें इसकी बारी। साफ कर दिया था, अब इस स्टेज की बारी है। अब हम आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं, चलें ये स्टेज साफ कर लें। देख सकते हैं हम इसकी सफाई कर रहे हैं। ये हम केज इसलिए नहीं हटा रहे, इसके इसमें बेबी है। और नीचे भी चेक कर सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है। साफ करते हैं, पिंजरा साफ करते हैं, साफ करते हैं। इसमें चोर बहुत हो रहा होगा, चाहिए जो बिल्ली का भी हो रहा है, इसमें बहुत वो होता है, पक्के लिखने से बहुत शोर कर रहे हैं। चलो इसको हटा ही देते हैं, बहुत बहुत भारी लग रहा है, इसको हटा देते हैं। सफाई कर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी है, आप पर ऐसी गंदगी नहीं करिएगा, फौरन केस साफ करते रहिएगा। हमारे पास तो टाइम नहीं था, अभी गंदे जा रहे हैं। चलो वो साफ कर लेते हैं। ये सकता है सारा कचरा नीचे से बाहर निकाल दिया है, तो बाहर निकाल लेते हैं। डॉल का पानी भी मान लिया जिसके ऊपर अपना सॉफ्ट फूड खा लेते हैं। कॉलोनी कितनी क्लीन हो चुकी है, देखते हैं कितने भी हो। अभी हम इसको पूरा करेंगे पानी का छिड़काव। अभी दूसरी कॉलोनी भी बन गई है, देख सकते हैं कितना वो दिख रहा है। अब छोटी वाली कॉलोनी साफ कर लेते हैं, जो सिंगल केज है उसको साफ करते हैं। पिलेंगे पानी निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं। माशाल्लाह इसके अंदर दूसरा कलर आ रहा है। बहुत पसीना आ रहे हैं, आपको क्या बताऊं मैं। ये वो पानी निकाल लेता है, पूरा डोरा बैठा हुआ है। माशाल्लाह
बहुत बहुत पसीने निकल रहे हैं। क्लीन हो चुकी है, अब एक इसमें झाड़ू बाहर लगा देते हैं। अब इस जोड़े को अंदर डाल देंगे, थैली बना लिया, पूरी सफाई करके दूसरी कॉलोनी की जब बनाएंगे आपको वो दिखा पा रही है। अब इस केस को हम साफ करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये खोल लें, खुद बनाए केस अच्छा लगे तो कमेंट में बताएगा। बाजरा तो अब देख सकते हैं चले हूँ आपको साफ करके दिखाते हैं। केले को ले लिया, कॉलोनियाँ बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी हैं। जो एंड में कॉलोनी करी है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब।